राम राम भाई साहब। राम राम संदीप भाई, राम राम वीडियो देखने वाले भाइयों को भी राम राम। तो भाई साहब अपना शुभ नाम और प्रॉपर एड्रेस बताएं जी। शुभ नाम है जी मेरा प्रदीप चौधरी, एड्रेस है जिला श्री गंगानगर स्टेट राजस्थान जी। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से मात्र 2.5 किलोमीटर अपना फार्म है। कोका कोला फैक्ट्री मोहनपुरा रोड पे बाम्बू फार्म हाउस लिखा हुआ बोर्ड लगाया जी। बाकी भाई साहब के फार्म की करंट लोकेशन आप गूगल मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं, प्रदीप चौधरी डेयरी फार्म के नाम से भाई साहब की करंट लोकेशन है। तो आज की वीडियो में भाई साहब भैंस कितनी सेल के लिए अवेलेबल है? एक भैंस दिखा रहे हैं। तो आज की वीडियो में एक भैंस सेल के लिए अवेलेबल है, तो सभी भाई वीडियो को एंड तक पूरा देखें। भाई साहब के पास कस्टमर आए हुए जिन्होंने दो दांत ये भूरी जोटी की हमने वीडियो भी अपलोड की थी, तो ये भाई साहब आए हैं, इनसे भी आपका इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। तो जो पशुपालक भाई आज हमारी वीडियो आपके अपने इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन घंटी के निशान के ऊपर जरूर से प्रेस करें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप भाइयों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप एक अच्छे पशुधन का चुनाव कर सके। तो राम राम भाई साहब। राम राम जी। तो भाई साहब सबसे पहले तो अपना शुभ नाम और प्रॉपर एड्रेस बताइए जी, कहाँ से आए हो? नाम है जी अभय सिंह शेखावत जी, तारानगर जिला चूरू। जिला है जो चूरू है, राजस्थान का जिला है, वो गांव है जो तारानगर है, तहसील है तारानगर, प्रॉपर यही गांव है जी। ठीक है जी। तो भाई साहब से संपर्क कैसे हुआ था जी? यूट्यूब के माध्यम से हुआ। तो भाई साहब सबसे पहले तो ये बताएं कि जैसे हमने ये भूरी भैंस की वीडियो अपलोड की थी, एक वीडियो में देखा और एक यहाँ पर खुद उपस्थित होकर देखा, तो क्या अंतर आपको लगा जी? कोई अंतर नहीं लगा, जैसा वीडियो में दिखाया गया वैसा देखने को मिला जी। तो जैसे आप बता रहे हो वीडियो के माध्यम से संपर्क हुआ, तो आपने ये जोटी रखी है, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि इसकी दूध निकाल कर आपने देखा जी? दोनों टाइम देखा जी, पूरी संतुष्टि की है यानी कि? तो जैसा यूट्यूब पर दिखाया गया वैसा देखने को मिला, इतनी दूर आए हो आप, मन को पूरी तसल्ली हुई भाई साहब? तो जैसे कोई भी भाई अपनी, जैसे भाई साहब की वीडियो अपने अक्सर वीडियो चैनल पर अपलोड होती है, तो आप इतनी दूर से आए हो, कोई भी भाई और भी इनके पास भैंस लेने के लिए आना चाहते हैं, इनकी डेयरी फार्म पर और कितनी भैंस सेल के लिए अवेलेबल है, यहाँ पर आप आए हो, इनके व्यवहार के बारे में, रहने सहने की व्यवस्था, बाकी एक वीडियो में ये भैंस भी दिखाएंगे, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि इस भैंस की आपने भी दूध देखा है जी? दोनों टाइम दोनों टाइम देखा है? यहाँ पर टाइम टू टाइम मिल्किंग होती है कि जैसे टाइम टू टाइम? ऐसा तो नहीं है कोई पशु दूध रोक कर, कोई मतलब ऐसा सिस्टम तो नहीं है? बाकी जो भाई जैसे वीडियो देख रहे हैं उन भाइयों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यहाँ पर आ जाओ, खुद आ जाओ, खुद दोनों टाइम की मिल्किंग चेक करके ले जाए, सही है ना भाई साहब? तो जैसे आप अब बताएं कि भाई साहब के पास रहने सहने की व्यवस्था और इनके व्यवहार के बारे में बताओ जी, जो भाई वीडियो देख रहे हैं। व्यवहार बहुत बढ़िया है, खाने पीने कोई व्यवस्था कोई कमी नहीं है, सब बढ़िया है, यानी कि रहने सहने की प्रॉपर पूरी व्यवस्था है, क्योंकि कई भाई आते हैं 2-5, 500, 600, 600 किलोमीटर दूर से आते हैं, 1000-1000 किलोमीटर, कई बार वो सोचते हैं, उन्हें मन में शंका आती है कहीं वाकर जाकर होटल में ना रुकना पड़ जाए, क्यों आगे से एक तो भैंस महंगी, या पर यहाँ से जाता है जब इंसान घर से निकलता है तो वहां से उस भैंस पर ही खर्चा पड़ना चालू हो जाता है, सही है ना? कई अरे ऊपर से ये मार पड़ जाए कि होटल में रुकना पड़ जाए, 5-6 हजार रुपये वो खर्चा लग जाए और 5-6 हजार रुपये ऊपर भाड़ा भी लगता है भैंस का, तो ऐसा सिस्टम तो नहीं है? कोई भी सिग्नल जी, साथ पैसे लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई तरीके की कोई परेशानी नहीं है, यानी कि हर प्रकार से पूरी संतुष्टि यहाँ पर करवाई जाती है, बंदे को कोई ऐसा फील ना करे जी जी, कोई नहीं है कि 300 किलोमीटर 200 किलोमीटर चली जाए तो कोई दिक्कत परेशानी है। तो जैसे भाई साहब, जैसे आप दो दिन से आप इधर हो, भाई साहब के पास डेयरी फार्म पर भैंसे कितनी है जी अभी मौजूदा? 12-13 भैंसे हैं, तो सभी का आपके सामने टाइम टू टाइम मिल्किंग हुई है जी? ऐसा तो नहीं है कोई भैंस रोक दी, कोई वीडियो में दिखानी है और है? तो सबसे पहले तो ये बताएं कि जैसे ये जोटी अपने वीडियो में दिखा रहे हैं आज भाई साहब, तो इस जोटी का जैसे शाम को अपने वीडियो बना रहे हैं और सुबह मॉर्निंग में इसकी मिल्किंग कितने बजे हुई थी जी? 5:30 के बाद में हुई। तो दोस्तों 5:49 हो चुकी है, मंडे सोमवार का दिन है, 23 अक्टूबर को ये वीडियो बना रहे हैं शाम को, और सुबह मॉर्निंग में 5 और 5:30 बजे के बीच में ही इसकी मिल्किंग हुई है, और अभी 5:30 से थोड़ा 10 मिनट ऊपर हो चुकी है। तो भाई साहब जैसे आपने दोनों टाइम में इसकी मिल्किंग चेक कर रही है, लाना भाई साहब इधर लाना जी खोल कर, हाँ चलाते रहो। तो जैसे आपने इसकी दोनों टाइम मिल्किंग भी चेक की है, तो इस जोटी में अभी कितना दूध है जी आपके, मतलब आपने देखा है जो है रियल? भाई पक्का मेरे हिसाब से 15-16 लीटर मान लो आप कम से कम भाई,
यानी कि 16 लीटर अभी दूध है दोनों टाइम का रेडी रेट, अभी तैयारी का है तो 16 लीटर इसका दूध बिल्कुल रेडी रेट है। जो भाई साहब के पास ये कस्टमर आए हैं जिन्होंने जोटी भी ली है, उनसे आपका इंट्रोडक्शन कराया गया है, बाकी आप खुद यहाँ पर तसल्ली भी कर सकते हैं, जोटी की भाई साहब से पूरी डिटेल लेंगे। तो धन्यवाद भाई साहब, आशा करते हैं आपसे फिर मुलाकात हो, तो आपकी जोटी अच्छी निकले, बाकी जैसा वीडियो में दिखाया गया कोई कमी तो नहीं लगी, कोई हो मतलब आने के बाद में लगी हो वो भी अपने बताएं कि जो भी भाई जैसे वीडियो देख रहे हैं उनको ये सचेत हो। नहीं नहीं दोनों टाइम मिल्किंग होती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई यहाँ पर दिक्कत परेशानी ठीक है भाई साहब, धन्यवाद जी। तो प्रदीप जी अब इसकी डिटेल बताते रहो जी, साथ के साथ ले हो जी। तो जोटी को दोस्तों आपको खोलकर अच्छी तरह चलाकर दिखा रहे हैं, काली कट पूरी जोटी है यानी कि मुर्रा ब्रीड के अंदर है, कन्नीदार गोल्ड रिंग सींग देख सकते हैं, हाइट लेंथ की बात करें तो वो भी अच्छी है, जोटी है और अडर क्वालिटी बहुत अच्छी है दोस्तों, चारों थनों के बीच में गैप और फिटिंग वाला अडर देख सकते हैं, आगे से लेके पीछे तक बिल्कुल ताजा ब्याई हुई है, आगे कच्चा बच्चा भी देख सकते हैं। तो बांध दो भाई साहब, बांध दो जी। तो ये इसका बच्चा है दोस्तों, इस जोटी की आप पूरी डिटेल लेते हैं भाई साहब से। तो जैसे भाई साहब के पास कस्टमर आए थे यानी कि ग्राहक आए थे, उन्होंने भी बताया कि इस जोटी के नीचे अभी 16 लीटर दूध तैयारी का है, बाकी खुद यहाँ पर उपस्थित होकर भी संतुष्टि कर सकते हैं आप। तो प्रदीप जी इसकी डिटेल शेयर करें जी। प्रदीप जी आज 5-6 दिन की ब्याई हुई है, 6 दिन की ब्याई हुई है, और ब्यांत कौन सा है जी? दूसरे ब्यांत की है, दूसरे ब्यांत की है, तो दूसरे ब्यांत की जोटी है, मात्र 6 दिन की ब्याई हुई है और अभी मौके का दूध है 16 लीटर बिल्कुल रेडी रेट है। तो प्रॉपर दूध कितना दे देगी जोटी अच्छी? 20 लीटर आराम से दे देगी, प्लस तो बहुत चला जाता है 20 तक, यानी कि 18-20 के समथिंग मेरा बताने वाली बाल्टी जैसे ढाको समेत तो भी 20 किलो होगा जी। अच्छा जी, तोलने वाला दूध वो बता रहा हूँ जी, 16 किलो दूध अभी तैयार होगा बिल्कुल तोलने वाला, सही है भाई साहब, सही बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। जैसे मतलब जागो के समेत माने तो ज्यादा दिखता है, बाकी पक्का दूध 8 किलो, पक्का दूध 16 किलो है, तो पक्का का दूध जो बता रहे भाई, दो टाइम तीन टाइम अपने फार्म पे रहने खाने पीने की फुल सुविधा, कोई टेंशन नहीं है जी। जी जी, यानी कि सौदा कर ले, साहिबाना डलवा के यहाँ पर आ जाए और अपनी संतुष्टि करके ले जाए, अगर ऑनलाइन में किसी को दिक्कत लगती है तो कृपया करके ना मंगवाए, सही है ना, सांस भरी चीज है, अपनी तसल्ली करके लेके जाए, ऐसा नहीं है कोई फैक्ट्री में डाल के बनती है, कोई मटेरियल डाला और जोटी तैयार हो गई, ठीक है जी। तो भाई साहब प्राइस बता दो जी, बिल्कुल रीजनेबल लेने वाला फिक्स प्राइस, मात्र 1,10,000 की, मात्र 1,10,000 रुपए दोस्तों इसका घर पहुंच, भाई साहब ने प्राइस बताया बिल्कुल रिजनेबल प्राइस है, बहुत अच्छी दे देंगे संदीप जी। अच्छा जी, अपने को मंदी मिली तो मंदी दे देंगे, यानी कि 2 रुपए मजदूरी से मतलब है, मजदूरी से मतलब होता है जी, व्यापारी को कोई अच्छी माड़ी से कोई फर्क नहीं, जी जी। तो दोस्तों पूरी डिटेल आप भाइयों को शेयर की गई है, नीचे भाई साहब के स्क्रीन पर नंबर शो हो रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। तो भाई साहब एक बार फिर से अपना कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस बता दो जी। कॉन्टेक्ट नंबर है जी 94-602-66-528 और ये इसका क्या नाम जी, जिला श्री गंगानगर स्टेट राजस्थान है जी। जी, और रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से मात्र अपना 2-2.5 किलोमीटर अपना फार्म है जी, कोका कोला फैक्ट्री के पास बाम्बू फार्म हाउस, कोई या भाई आए वहाँ पे कोका कोला फैक्ट्री से पूछ ले जी, प्रदीप चौधरी फार्म पे जाना है, हर कोई बता देगा जी। बाकी कोई भी भाई यहाँ पर विजिट करता है, अगर भाई साहब की डेयरी फार्म पर नहीं भैंस पसंद आती तो बार फील्ड में भी भैंस परचेज करवाई जाएगी, सही है ना, अपनी मन संतुष्टि अनुसार भैंस लेके जा सकता है, देख पर कर शहर में से लेगा तो 2-3 टाइम अपनी पूरी तसल्ली करा दे, कोई भाई कहेगा मैं बाहर गाँव से जाके 2-3 टाइम हो तो वो नहीं होगी संदीप जी। जी जी, यानी कि लोकल यहाँ से 10 किलोमीटर लेगा तो दोनों टाइम पर मिल्किंग चेक करवा दोगे, अगर लंबे ऐसे 50-60 किलोमीटर जाके ले तो 2 टाइम नहीं करवाई जाती नहीं जाए जी। जी, और चार्ज जी बाहर से दिलवाने का 1,000 रुपए जी। जी, 1,000 रुपए ब्रोकरी चार्ज है, बाकी खर्चा अगले का जो लेने वाला है बाहर से भैंस लेगा, ठीक है भाई साहब, धन्यवाद जी। तो आज की वीडियो दोस्तों हमारी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, सभी भाइयों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।